जेलेंस्की की यूक्रेन की हार तय हो गई है। नेटो भी युद्ध से छुटकारा पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। रूस ने ऐसा खौफनाक और शातिर युद्ध किया है कि अब जेलेंस्की नेटो के दुश्मन बनते जा रहे हैं और उधर नेटो भी तबाह यूक्रेन की मदद करने के बजाय जेलेंस्की को लताड़ रहा है। आखिर युद्ध में ये चल क्या रहा है? हथियार पर यूक्रेन की हार तय। लगता है 17 महीने की जंग के बाद यूक्रेन के बुरे दिन और भी बुरे होते जा रहे हैं। जो नाटो देश यूक्रेन के सैनिकों को दुनिया के सबसे बहादुर सैनिकों में एक बता रहे थे, वही नाटो देश अब जेलेंस्की के यूक्रेन को एक ऐसा डरपोक देश साबित करने में जुटे हैं, जो पुतिन के रूस से डरकर युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन तक चली नाटो की मीटिंग में जेलेंस्की को इतना जलील और बेइज्जत किया गया है जिसने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। दावे तो यहाँ तक किए जाने लगे हैं कि यूक्रेन रूस से जीत के लिए युद्ध नहीं कर रहा है। मुफ्त में चाहिए हथियार, जीत कर दिखाओ यूक्रेन। 500 दिन से ज्यादा की जंग में अब तक नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर यूक्रेन को 600 तरह के हथियार दे चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 20 लाख करोड़ के हथियार मिलने के बावजूद जेलेंस्की मुंह फुलाए घूम रहे हैं और बार बार नेटो देशों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि नेटो ने हथियारों की सप्लाई में देर कर यूक्रेन को जंग में हरवाने का काम किया है। नेटो हैरान है, जिस यूक्रेन को दुनिया के 81 देश मिलकर एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं, वही यूक्रेन अब नेटो और पश्चिमी देशों की टांगे खींचने में लगा है। नेटो इस बात से बेहद गुस्से में है कि लाखों करोड़ों के हथियार देने के बावजूद रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहद धीमा है, जबकि रूसी फौजें रोज यूक्रेन में मौजूद नेटो के हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर रही हैं। कुछ पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने जेलेंस्की से 2 टूक कह दिया है कि ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, यूक्रेन को उसकी जरूरत से ज्यादा हथियार मिल चुके हैं। नहीं देंगे हथियार, अमेज़न नहीं है ब्रिटेन। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में 11 और 12 जुलाई को हुआ नेटो का शिखर सम्मेलन यूक्रेन के लिए साक्षात हार के दर्शन देने वाला सम्मेलन साबित होने जा रहा है। जो अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को सबसे ज्यादा ताकतवर हथियारों से मदद कर रहे थे, उस अमेरिका और ब्रिटेन ने अब जेलेंस्की के यूक्रेन को लताड़ कर फेंक दिया है। जरा देखिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को ये क्यों कहना पड़ा कि ब्रिटेन कोई शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न नहीं है जिसे यूक्रेन ऑर्डर दे और ब्रिटेन हथियार सप्लाई करे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने यूक्रेन को हथियारों की भारी डिमांड करने पर जोरदार झटका दिया है। बेन वॉलेस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए कहा है कि यूक्रेन को नेटो का एहसान मानना चाहिए जिसने यूक्रेन को घातक हथियार दिए हैं। बेन वॉलेस ने जेलेंस्की पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका या ब्रिटेन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न की शाखा नहीं है जहां हथियारों की लिस्ट लेकर पहुंचा जाए और डिमांड की जाए। ब्रिटेन अमेज़न की तरह यूक्रेन से ऑर्डर लेकर हथियार नहीं पहुंचा सकता। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने जेलेंस्की के यूक्रेन से यहां तक कह दिया है कि जिस तरह का समर्थन नेटो यूक्रेन को दे रहा है उसका आभार यूक्रेन को मानना चाहिए और बेतुकी बयान नेटो देशों पर नहीं देना चाहिए। यूक्रेन को हरवाएगा ब्रिटेन का बारूद। भयंकर युद्ध के बीच ब्रिटेन ने जिस तरह से यूक्रेन को आईना दिखाया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन ही वो नेटो देश है जिसने यूक्रेन को चैलेंजर 2 जैसे सबसे एडवांस टैंक दिए हैं। ब्रिटेन ही वो देश है जिसने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो जैसी घातक क्रूज मिसाइल दी है। ब्रिटेन की ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने क्राइमिया के पुल पर हमला किया है। इसी स्टॉर्म शैडो क्रूज के हमले से यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 जनरलों को मार डाला। इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने डोनेस्क इलाके में रूस के 2 हथियारों और गोला बारूद डिपो को उड़ाया है।
ऐसे में ब्रिटेन जिस तरह से यूक्रेन पर हथियारों की डिमांड को लेकर भड़का है वो हैरान करने वाला है। इसीलिए जेलेंस्की को भी लिथुआनिया की मीटिंग में कहना पड़ा कि शायद ब्रिटेन के मंत्री कुछ ज्यादा ही यूक्रेन से नाराज हो गए। Британия наши партнеры. Ну и я может министр хочет все особливо, але мені здається, що у нас гарні стосунки і ми вдячні людям і в кінці кінців. ब्रिटेन से मिली जबरदस्त लतार से जेलेंस्की की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हम आपको बताते हैं कि अब तक नेटो यूक्रेन को कितने हथियार दे चुका है और अब क्यों नेटो यूक्रेन को ज्यादा घातक हथियार नहीं देना चाह रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार नेटो पर घातक हथियार नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो के लीडर यूक्रेन से नाराज हो गए हैं। यूक्रेन हर हफ्ते 1,00,000 गोले की डिमांड कर रहा है, जिसे नेटो पूरा नहीं कर सकता है। नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का दावा है कि यूक्रेन जरूरत से ज्यादा गोला बारूद बर्बाद कर रहा है। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का यहां तक दावा है कि यूक्रेन 1 जून से लेकर अगले 10 दिनों में नेटो की युद्ध शर्तें पूरी नहीं की है, जिसकी वजह से यूक्रेन को ना तो नेटो में शामिल किया जा सकता है और ना ही नेटो अब लंबी दूरी की मिसाइलें और ज्यादा घातक हथियार यूक्रेन को दे पाएगा। नेटो देशों का यह भी आरोप है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो के हथियारों को रूस की सेना से दबा करा रहा है। आरोप यूक्रेन पर यह भी लग रहे हैं कि यूक्रेन की भगौड़ी और डरपोक सेना की वजह से रूस के हाथ ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल, जर्मनी के लेपर्ड टैंक और अमेरिका के ब्रैडली बख्तरबंद वाहन लग चुके हैं, जिसकी वजह से अब नेटो के सबसे एडवांस हथियारों की तकनीक रूस के हाथ लग चुकी है। इसी को देखते हुए अब यूक्रेन को F-16 जैसे लड़ाकू विमान और लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं मिलेंगी। तरह के हथियार बैन, यूक्रेन की हार तय। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त रूसी सेना राजधानी कीव समेत डोनेस, खेरसोन, खारकीव, सुमय, मिकोलाइव और ज़ापोरोजिया पर अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले कर रही है, उस वक्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से नेटो गोला बारूद और मिसाइलों का हिसाब किताब मांग रहा है। नेटो यूक्रेन से पूछ रहा है कि अभी तक काउंटर अटैक से रूस को क्यों नहीं हराया। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल, तोप और फाइटर जेट देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब नेटो देश कन्नी काट रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक यूक्रेन खुद को ताकतवर और विजेता साबित नहीं करेगा, तब तक ना तो सबसे घातक हथियार मिलेंगे और ना ही नेटो में यूक्रेन को शामिल किया जाएगा। यूक्रेन को सबसे प्रचंड धोखा अमेरिका, जर्मनी ने दिया, जो किसी भी कीमत पर अभी यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह कुछ जानकार ये बता रहे हैं कि नेटो के कई देश गुप्त रूप से रूस के साथ मीटिंग करने में जुट गए हैं। वहीं दूसरी बार पुतिन दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना चुन कर नेटो के एडवांस टैंकों को दबा कर रही है। पुतिन तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जैसे जर्मन के लेपर्ड टैंकों को रूस जला रहा है, ठीक उसी तरह से अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों को भी रूस तबाह कर देगा। Мы сегодня, я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке 5 танков, на другом участке тоже 1,5 роты примерно при поддержке 2 танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. Сомнений в нет. पिछले 24 घंटे में रूस की 150 तो 300 टैंक, 80 फाइटर जेट, 35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने लुहांस ओब्लास्ट, बैद्यांस्क में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले किए हैं। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेन के 35% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। वो
पुतिन का टारगेट है कि किसी भी तरह पूरे यूक्रेन के पांचवें हिस्से पर रूस का कब्जा हो जाए। इधर यूक्रेन पिछले 6 महीने से दहाड़े मारकर रो रहा है कि उसे लंबी दूरी की घातक मिसाइलें और हथियार नेटो देश दें, लेकिन नेटो देश जेलेंस्की के यूक्रेन को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। इसका सबूत भी हम आपको दिखाते हैं। आप खुद देखिए नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग कैसे यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने लिथुआनिया की राजधानी विनियस में यूक्रेन से दो टूक कहा है कि युद्ध में यूक्रेन को खुद को ताकतवर और लड़ाकू दिखाना होगा। जब यूक्रेन नेटो की शर्त पूरी करेगा तब वो नेटो